मैं हूँ शोभा नंदन। सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर को मेरी नमस्ते। और आज की हमारी रेसिपी है करेले की सब्जी। करेले की सब्जी बनाने के लिए 500 ग्राम करेले को कट करने के बाद 4-5 घंटे के लिए नमक लगा कर रख देंगे। उसके बाद पानी से अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे। करेले को वॉश करने के बाद करेले का सारा पानी हथेलियों के बीच दबा कर निकाल देंगे। करेले में पानी रहेगा तो इसको भूनने में समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए सारा पानी आप निकाल दीजिए। करेले को वॉश करने के बाद मैंने शूट किया है। करेले को कट करने के बाद मैं शूट नहीं कर पाई। करेले को कट करने के बाद करेले में 2 चम्मच नमक डालकर हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स करके 4-5 घंटे या फिर आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। करेले में नमक लगा कर रखने से इसका कड़वापन काफ़ी हद तक निकल जाता है। सारे करेले से पानी निचोड़ कर मैंने अच्छी तरीके से ड्राई कर लिया है। 500 ग्राम करेले के लिए 500 ग्राम प्याज को लंबे लंबे पीसेस में कट कर लेंगे। प्याज को इस तरीके से कट करने से तलने के बाद कढ़ाई से निकालने में आसानी होगी। अगर प्याज बारीक कटी होगी तो कढ़ाई से निकालने में आपको परेशानी होगी। 1 मीडियम साइज की प्याज, 4 कलियां लहसुन की। लहसुन की कलियां मोटी है तो मैंने 4 ली है, अगर आप बारीक ले रहे हैं तो ज़्यादा ले लीजिए। 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा। सभी इंग्रेडिएंट्स को चटनी जार में डालकर बारीक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। पेस्ट को बारीक पीसने के बाद पेस्ट को कटोरी या किसी बाउल में निकाल कर रख लेंगे। पेस्ट के अंदर 1/2 चम्मच नमक, 3/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च और नमक आपको अपने टेस्ट के अनुसार रखना है। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। सूखी सब्जी के अंदर धनिया पाउडर का यूज़ मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि सूखी सब्जी के अंदर धनिया पाउडर का यूज करने से सब्जी का कलर अच्छा नहीं आता है। पाउडर मसालों के अंदर थोड़ा पानी डालकर भी मिक्स करके रख देंगे, इससे पाउडर मसाले तेल में डालने के बाद जलेंगे नहीं। अब एक कढ़ाई में सरसों के तेल को धुआं निकलने तक गर्म कर लेंगे। तेल आप अपनी पसंद के अनुसार ले सकते हैं। तेल की मात्रा अभी हमें ज़्यादा ही रखनी है, क्योंकि इसमें हमें प्याज और करेले को फ्राई करना है। तेल के अच्छी तरीके से गर्म हो जाने पर प्याज को तलने के लिए कढ़ाई में डाल देंगे। प्याज के सॉफ्ट हो जाने तक और प्याज का कलर लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाने तक प्याज को भून लेंगे। प्याज को बीच बीच में चलाते हुए भूनेंगे, जिससे कि प्याज जले नहीं और प्याज का चारों तरफ से एक समान कलर आए। प्याज का कलर लाइट गोल्डन ब्राउन आ जाने के बाद प्याज को कट करके देखेंगे। प्याज आसानी से कट हो रही है। प्याज को अब हम कढ़ाई से बाहर निकालने के लिए बाउल के ऊपर खाली छलनी रखेंगे। बाउल के ऊपर छलनी रखने से एक्स्ट्रा तेल छलनी से निकलकर बाउल में आ जाएगा और करेले कम तेल में बनकर तैयार हो जाएंगे। कढ़ाई के अंदर एक्स्ट्रा ऑयल बचा हुआ है, इतने ऑयल की ज़रूरत हमें करेले बनाने के लिए नहीं है। एक्स्ट्रा ऑयल को कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। बचे हुए तेल में करेले डालकर करेले के सॉफ्ट हो जाने तक भून लेंगे। मीडियम फ्लेम पर करेले को भूनते हुए करेले का कलर भी लाइट गोल्डन ब्राउन आ चुका है। करेले को भी अब हम कट करके देखेंगे। करेले आसानी से कट हो रहे हैं। करेले को भी कढ़ाई से बाहर निकालकर बाउल में रख लेंगे। इस तरीके से करेले बनाने से करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते हैं, बहुत ही टेस्टी करेले बनकर तैयार होंगे। कढ़ाई में बचे हुए तेल में 2 पिंच हींग डाल देंगे। हींग डालना ऑप्शनल है। हींग के भुन जाने के बाद तैयार करके रखे हुए पेस्ट को कढ़ाई में डालकर पेस्ट से तेल अलग हो जाने तक भून लेंगे। कढ़ाई में थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे, जिससे कि मसाले अच्छी तरीके से भुन जाए। मसाले जब तक भुनते हैं, जब तक छलनी में रखी हुई प्याज को चम्मच से दबाते हुए सारा एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लेंगे। मसाले और पेस्ट अच्छी तरीके से भुन चुके हैं, पेस्ट से तेल अलग नज़र आने लगा है। कढ़ाई में अब हम प्याज डालकर प्याज को मसाले में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर मिक्स करने के बाद साथ में करेले भी डाल देंगे। करेले डालने के बाद सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। कढ़ाई में थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे, जिससे कि मसाले करेले प्याज में अच्छी तरीके से कोट हो जाए और मसालों का फ्लेवर प्याज और करेले में अच्छी तरीके से आ जाए। मसालों के साथ करेले को लगातार चलाते हुए 2-3 मिनट तक भून लिया है। कढ़ाई में डाला हुआ सारा पानी जल चुका है। सब्जी से तेल अलग नज़र आने लगा है, क्योंकि तेल बहुत कम यूज़ किया था, इसलिए तेल कम ही नज़र आएगा। करेले की सब्जी लगभग बनकर तैयार है। गैस की फ्लेम बंद करने से पहले 1 चम्मच अमचूर पाउडर डालकर मिक्स कर लेंगे। अमचूर पाउडर की जगह पर आप आम का अचार या फिर कच्चा आम भी डालकर मिक्स कर सकते हैं।
अगर आप आम के अचार का यूज़ कर रहे हैं तो अचार के अंदर जो मसाला होता है उसको भी थोड़ा सा डाल दीजिए, या फिर आप अलग से भी मसाला बनाकर डाल सकते हैं। मैंने फ़िलहाल सिंपल बनाए हैं, कोई भी मसाला यूज़ नहीं किया है। बचे हुए तेल को साइड में रख देंगे। इस तेल का यूज़ आप सूखी सब्जी बनाने में कर सकते हैं। इस तरीके से आप भी करेले की सब्जी बनाकर देखिए, करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते हैं। रेसिपी पसंद आने पर रेसिपी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए। रेसिपी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कॉमेंट ज़रूर करें।